السلام عليكم. وعليكم السلام سرج. لا كان شرط دي لا كان ولي نجوين كي سما سالا بعد انا اللي ترجي ورك دينو ما متى يا دكتور صاحبي لاستي وشت كره دي بس ستارت بوك و څنګه مخه ده یا سر بس شروع کی یا شروع دوک سر جی اوکے स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है नो सर स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर नहीं हो रही लेक्चर 5 स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है लेक्चर आपको यस नजर आ सर रहा है यस सर यस सर ओके तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 है और आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन है पिछले टॉपिक का जो कि हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ डायवर्जन हेडवर्क के बारे में डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हमने जो है पढ़ लिया था कल जो है हमने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के बारे में पढ़ा था रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में हमने जो है टाइड बैंक्स के बारे में स्पर्स के बारे में और ग्रोइंस के बारे में हमने जो है स्पर्स के बारे में और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के बारे में हमने पढ़ा था जो है ग्रोइंस के बारे में हम पढ़ेंगे मोहम्मद अयाज आपने माइक क्यू ऑन किया है ओके तो दोबारा जो है टॉपिक की तरफ आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोइंस द फंक्शन ऑफ ग्रोइंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्पर बट दीज आर इम्परवियस परमानेंट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन द कर्व ऑफ रिवर टू प्रोटेक्ट द रिवर बैंक्स फ्रॉम इरोजन जो ग्रोइंस है इनका जो फंक्शन है वो सिमिलर टू द स्पर है यानी कि जो स्पर हमने पिछले क्लास में पढ़ा स्पर्स के बारे में ग्रोइंस भी उन्हीं की तरह जो है फंक्शन उन्हीं की तरह जो है करता है लेकिन ये जो है हमारे पास इम्परवियस और परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि इनके थ्रू जो है वाटर जो है नहीं गुजर सकता मूव नहीं कर सकता ठीक है और ये जो है हमारे पास जो है परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं और ये हमारे पास जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जहाँ पर हमारे पास रिवर में कर्व होते हैं और रिवर बैंक्स के ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स दे एक्सटेंड फ्रॉम द बैंक टू द बेड बाय मेकिंग एंगल ऑफ 60 to 75 डिग्री विद द बैंक ये हमारे पास जो है एक्सटेंड होते हैं रिवर बैंक से ठीक है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू 75 डिग्री विद द रिवर बैंक द एंगल मे बी टूवर्ड्स द अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इट इज मेड सम परपेंडिकुलर समटाइम विद द बैंक इनका जो एंगल होता है या कुछ जगहों पे जो है ये अपस्ट्रीम साइड की तरफ होते हैं कुछ जगहों पे जो है या डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और कुछ जगहों पे जो है ये बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर टू द रिवर होते हैं रिवर बैंक्स होते हैं दीज आर कंस्ट्रक्टेड विद रबल मैसनरी इन ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन एंड द सर्फेस इज फिनिश्ड विद स्टोन पिचिंग और कंक्रीट ब्लॉक्स ये जो है हमारे पास जो है रबल मैसनरी से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसका जो सेक्शन होता है ट्रेपेज़ॉइडल होता है और इसके सर्फेस के ऊपर जो है स्टोन पिचिंग की जाती है या कंक्रीट ब्लॉक्स जो है इसके सर्फेस के ऊपर जो है उससे जो है इसकी फिनिशिंग की जाती है द स्टोन पिचिंग
और दी कंक्रीट ब्लॉक्स आर सेट विद रिच सीमेंट मॉर्टर, इसके अंदर जो स्टोन पिचिंग है या सीमेंट कंक्रीट जो ब्लॉक्स है वो रिच सीमेंट मॉर्टर के थ्रू जो है उसको जो है लगाया जाता है. The length of the groin depend on the width and nature of the river. आपके पास जो groin है उसके जो length है वो depend करता है कि आपके पास जो है nature of river क्या है और उसकी width जो है उस खास location के ऊपर उस curve के ऊपर उसकी width जो है क्या है. The top width varies from 3 meter to 4 meter. The side slope may be 1:1.5:1 or 2:1. ये जो टॉप विड्थ होती है वो 3 to 4 meter होती है और जो साइड स्लोप होते हैं वो 1:1.5:1 से लेकर 2:1 तक जो है इसका साइड स्लोप होता है. द ग्रोइंस आर प्रोवाइडेड इन सीरीज थ्रू आउट द अफेक्टेड लेंथ ऑफ द रिवर बैंक्स. जो ग्रोइंस है ये थ्रू आउट द जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जो अफेक्टेड लेंथ होता है रिवर बैंक के थ्रू आउट द लेंथ जो है प्रोवाइड किए जाते हैं इन सीरीज. द स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट ग्रोइन इज जनरली कैप्ड एज 2L. Where L is the length of the groin. जो दो आपके पास groin है, for example ये आपके पास जो है groin है, ठीक है, तो इसके दरमियान जो है जो distance रखा जाता है वो 2L के दरमियान रखा जाता है. 2L जो है एक length जो है, L जो है आपके पास एक groin की length है. तो एक groin की length को जब आप multiply by 2 करते हैं तो दो groins के दरमियान इतना फासला जो है, इतने फासले के ऊपर इनको जो है construct किया जाता है. These are recommended for the river where the permanent solution of erosion control is extremely necessary. ये वहाँ पर जो है recommend किए जाते हैं river में जहाँ पर आपके पास जो है permanent solution जो है required हो river की river banks की erosion को control करने के लिए, या वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा necessary हो. ये जो है section है groin का, ये जो है base है, ठीक है, इसके ऊपर इसको construct किया जाता है. side slope जो है 1.5:1 or 2:1 के जो है दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. और ये जो है रबल मैसनरी से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इनके साइड्स के ऊपर सरफेस के ऊपर जो है कंक्रीट ब्लॉक या जो है स्टोन पिचिंग जो है इसके की जाती है रिच सीमेंट मॉर्टर के साथ. द ग्रोइंस मे बी डिजाइनेटेड एज फॉलोज. ग्रोइंस के कुछ टाइप्स है, पर जो है उसमें फर्स्ट वन है अट्रैक्टिंग ग्रोइन, सेकेंड वन इज रिपेलिंग ग्रोइन और थर्ड वन जो है वो है डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन. ये जो है डिफरेंट टाइप्स है ग्रोइंस के. अट्रैक्टिंग ग्रोइन क्या है? द ग्रोइन व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड ऑब्लिकली टू द बैंक बाय मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री टू 75 डिग्री टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम इज नोन एज अट्रैक्टिंग ग्रोइन. वो ग्रोइन जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑब्लिकली, यानी कि उसके साथ जो रिवर जो बैंक है उसके साथ जो एट एन एंगल ऑफ 60 75 डिग्री जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है और टुवर्ड्स दी डाउनस्ट्रीम साइड इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो ऐसे ग्रोइन को जो है अट्रैक्टिंग ग्रोइन जो है कहा जाता है. सॉरी, हियर द फ्लो ऑफ वाटर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बैंक. यहाँ पर जो है जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको जो है अट्रैक्ट किया जाता है टुवर्ड्स द बैंक. यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये आपके पास जो है अट्रैक्टिंग ग्रोइन है, इसका जो साइड होता है ये टुवर्ड्स दी डाउनस्ट्रीम साइड जो है इसको बनाया जाता है. ये आपके पास अपस्ट्रीम साइड है, ये आपके पास जो है डाउनस्ट्रीम साइड है, पानी उस तरफ से मूव कर किस तरफ आता है, ठीक है. सो इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स दी डाउनस्ट्रीम साइड जो है बनाया जाता है, ठीक है. और इसको इस तरह जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है. हियर द फ्लो ऑफ वाटर इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द बैंक एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज रिड्यूस्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कैन नॉट कॉज एनी इरोजन इन द टू द बैंक. हाउएवर द बैंक्स आर प्रोटेक्टेड ऑफ स्टोन पिचिंग इज हाउएवर अ बैंक प्रोटेक्टेड ऑफ स्टोन पिचिंग इज प्रोवाइडेड फॉर सेफ्टी. यहाँ पर इनको इस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि यहाँ पर जैसे आता है पानी यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो वाटर की वेलोसिटी जो है इतनी जो है रिड्यूस हो जाए कि यहाँ पर कोई इरोजन जो है ये कॉज ना करे. लेकिन साथ ही साथ जो है सेफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए जो है इस साइड के ऊपर जो है ये कर्व के जितना आपके पास कर्व है इसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए स्टोन पिचिंग भी प्रोवाइड की जाती है ताकि यहाँ पर आपके पास जो है कोई इरोजन जो है ये वाटर जो है कॉज ना करे. तो जैसे वाटर जो है यहाँ से आता है यहाँ पर जो है स्ट्राइक करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है तो यहाँ पर जैसे स्ट्राइक करता है तो उसकी एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है तो एज अ रिजल्ट उसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाती है. फिर यहाँ से वाटर आके यहाँ पर अगेन जब टकराता है तो उसकी वेलोसिटी और कम हो जाती है.
एज ए रिजल्ट आपके पास जो इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है वो कम हो जाती है. सो वो जो है फिर जो है आपके पास इरोजन जो है कॉज नहीं करता आपके जो बैंक रिवर बैंक से. और साथ ही साथ चूंकि स्टोन पिचिंग भी प्रोवाइड की गई होती है साइड्स के ऊपर, सो ये भी आपके लिए जो है जो रिवर बैंक उसको जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इरोजन. स्क्रीन नजर नहीं आ रहा मोहम्मद सलीम, आपने जो है प्रेजेंटिंग क्यों स्टार्ट किया यार? मैं कितनी बार आपको कहा है कि काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना करें ताकि यहाँ पर जो है जो रिकॉर्डिंग होती है वो डिस्टर्ब ना हो, चूंकि बाद में फिर लड़कों को स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही होती. अभी आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन? यस सर. तो ये आपके पास जो है अट्रैक्टिंग ग्रोइन है. उसके बाद जो अगला टाइप है वो है रिपेलिंग ग्रोइन. अ ग्रोइन विच इज अलाइन टूवर्ड्स अपस्ट्रीम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू 75 डिग्री विद द रिवर बैंक इज नोन एज रिपेलिंग ग्रोइन. वो ग्रोइन जो कि बनाए जाते हैं टूवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड. अट्रैक्टिंग ग्रोइन जो है वो बनाए जाते हैं टूवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड, यानी उसका जो फेस होता है वो टूवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड होता है. जबकि रिपेलिंग ग्रोइन में जो आपके पास जो ग्रोइन होते हैं उसका जो फेस होता है वो टूवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड होता है एट एन एंगल ऑफ 60 टू 75 डिग्री विद द रिवर बैंक. A still water pocket is formed on the upstream where silting takes place. Here, the bank's protection is not necessary because the flow of water does not touch the bank, and therefore, there is no effect of erosion on the bank. But still, boulder pitching should be provided for safety. Repelling groin में जो है इनका जो face होता है groin का वो towards the upstream side होता है, यानी कि जिस side से आपके पास water जो है flow करता है वो side की तरफ होता है. उस साइड की तरफ होता है तो जैसे ही वाटर आता है यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर जो है इसकी वेलोसिटी जो है एज ए रिजल्ट उसकी नस जो है डिसिपेट हो जाती है और उसकी जो है यहाँ पर जो है अगर टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड होने की वजह से यहाँ पर जो है पॉकेट से बन जाते हैं तो यहाँ पर जो सिल्ट आता है वो भी डिपॉजिट हो जाता है और क्लियर वाटर जो है आपके डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूव करता है. कुछ एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट होकर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, कुछ जो है यहाँ पर आके उसकी जो है एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है. ठीक है, तो आपके पास जो है वाटर यहाँ पे आके कड़ा हो जाता है तो रिजल्ट आपके पास जो सिल्ट होते हैं वो भी बैठ जाता है और क्लियर वाटर जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है नीचे जो है आपके डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है चला जाता है. यहाँ पर आपके पास जो है स्टोन पिचिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती रिवर बैंक के ऊपर, लेकिन फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इनक्रीज करने के लिए जो है रिवर बैंक के ऊपर जो है आपके पास जो है स्टोन पिचिंग जो है प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आपके पास जो है एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाए. थर्ड जो टाइप है वो है डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन. एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोइन इज कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक एंड इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन. ये जो टाइप ऑफ ग्रोइन है ये जो है परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मीन्स के एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसे ग्रोइन को कहते हैं डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन. हियर द फ्लो ऑफ वाटर इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम बैंक बाय द perpendicular obstruction that is groin. यहाँ पर फ्लो को जो है डिफ्लेक्ट किया जाता है रिवर बैंक से by this perpendicular obstruction that is groin. The flow of water follows an undulating path just outside the head of the groin. जो फ्लो है वो जो है water flow है वो follow करता है undulating path, यानी कि उसमें undulation होती है just outside the head of the groin. An eddy current is formed on the upstream side of the groin. उसकी वजह जिसकी वजह से आपके पास जो है एडी करंट जो है प्रोड्यूस हो जाता है. एडी करंट मीन जब पानी जो है इस तरह गोल गोल जो है घूमता है. ठीक है, जो गोल गोल पानी घूमता है उसको एडी करंट कहते हैं या क्रॉस करंट ऑफ वाटर कहते हैं. तो इसकी वजह से वो एडी करंट जो है प्रोड्यूस होता है. दिस एडी करंट विल नॉट इफेक्ट द रिवर बैंक बट द बैंक प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर सेफ्टी. इस एडी करंट की वजह से आपके पास रिवर बैंक जो है इफेक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए जो है रिवर बैंक्स के ऊपर जो है प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड की जाती है. ये आपके पास डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन है. ठीक है, यहाँ पर पानी आता है जैसे स्ट्राइक करता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंडुलेटिंग बात जो है इस तरह गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है इस तरह. फिर जो है यहाँ पर आता है अगेन, यहाँ पर जब स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर अगेन घूमता है. ये जो पानी इस तरह गोल गोल घूमता है इसको कहते हैं आपके पास एडी करंट या क्रॉस करंट.
ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ भी यहाँ पर साइड के ऊपर जो है स्टोन पिचिंग जो है प्रोवाइड की जाती है रिवर बैंक्स के ऊपर इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर जो है कंपैरिजन है बिटवीन स्पर्स एंड ग्रोइंस, तो एक साइड पे आके आपके पास जो है स्पर है, दूसरी साइड के ऊपर आपके पास ग्रोइन है। फर्स्ट वन इज दी स्पर्स इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। जिस तरह शुरू में हमने पढ़ा था कि स्पर हमारे पास जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं और इनको हर साल जो है आपको उसकी जो है आपने रिपेयर जो है उसकी जरूरत पड़ती है, आपने स्पर की हर साल जो है रिपेयर करनी होती है और ये हमारे पास जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं। जबकि दूसरे साइड के ऊपर आपके पास जो ग्रोइन है ये हमारे पास परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो है हमारे पास जो है रबल मैसनरी से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और इसके ऊपर जो है स्टोन पिचिंग की जाती है या जो है कंक्रीट ब्लॉक्स जो है इसके ऊपर जो है सरफेस के ऊपर जो है लगाए जाते हैं। सेकेंड वन इट इज स्पर जो है ये हमारे पास परमिएबल इन नेचर होते हैं, यानी कि उसके थ्रू जो है पानी जो है गुजर सकता है, जबकि जो ग्रोइन होते हैं ये हमारे पास जो है इम्परमिएबल होते हैं, इसके थ्रू जो है पानी नहीं गुजरता। थर्ड वन इट इज कंस्ट्रक्टेड विद बेम्बू पाइल टिम्बर पाइल सैंड बैग्स बोल्डर्स एक्सेट्रा, या जबकि स्पर जो है हमारे पास जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बेम्बू पाइल से टिम्बर पाइल से सैंड बैग्स और बोल्डर्स वगैरह से, जबकि जो ग्रोइन है ये हमारे पास जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं रबल मशीनरी से विद सीमेंट मोर्टर, यानी कि रबल मशीनरी को सीमेंट मोर्टर में लगाया जाता है और उसके सर्फिस के ऊपर जो है स्टोन पिचिंग की जाती है या आपके पास जो कंक्रीट ब्लॉक जो है उसके सर्फिस के ऊपर जो है लगाए जाते हैं। स्पर जो है इट रिक्वायर्स रिपेयर वर्क, स्पर्स को जो है हर साल जो है रिपेयर की जरूरत होती है, जबकि ग्रोइन डज नॉट रिक्वायर एनी रिपेयर वर्क। स्पर इज रिकमेंडेड फॉर स्मॉल रिवर्स वेयर एज ग्रोइन इज रिकमेंडेड फॉर लार्ज। ग्रोइन आपके पास वहां पर रिक्वायर्ड होती है जहां पर आपके पास जो है रिकमेंड किए जाते हैं जहां पर आपके पास विड्थ ऑफ द रिवर जो है ज्यादा हो, साथ ही साथ जो स्पर है वो वहां पर आपके पास रिकमेंड किए जाते हैं जहां पर आपके पास विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो कम हो स्मॉल हो। स्पर इज यूजफुल फॉर लो एंड और मीडियम वेलोसिटी ऑफ फ्लो, स्पर जो है हमारे पास लो या मीडियम वेलोसिटी के लिए जो है यूजफुल है, जबकि जो ग्रोइन है इट इज सूटेबल फॉर हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जबकि जो ग्रोइन है ये हमारे पास हाई वेलोसिटी फ्लो के लिए सूटेबल है। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंसेस है बिटवीन स्पर्स एंड ग्रोइंस। उसके बाद जो है शटर्स एंड गेट्स है, फंक्शन ऑफ शटर एंड गेट्स क्या है, शटर्स या गेट्स जो है ये हमारे लिए जो है दे मेंटेन पॉन्ड लेवल, यानी कि जो पॉन्ड लेवल होता है या स्टोरेज लेवल ऑफ वाटर होता है वो हमारे लिए जो है मेंटेन करता है। सेकेंड जो है दे रेज वाटर लेवल ड्यूरिंग लो फ्लड, जब हमारे पास लो फ्लड्स होते हैं या हमारे पास वाटर लेवल कम होता है रिवर के अंदर तो इस दौरान ये हमारे लिए जो है वाटर लेवल को राइज करता है, एज ए रिजल्ट हम उसको जो है अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए जो है यूज करते हैं। उसके बाद जो है सिल्ट रेगुलेशन वर्क है, जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा कि जब भी हम जो है कि कोई डायवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पानी आके वहां पर जो है कड़ा हो जाता है और उसका वाटर लेवल जो है ऐसा राइज होता है, तो पानी कड़ा होने की वजह से उसके अंदर जो सिल्ट होता है वहां पर जो है आपके पास जो आपका जो डायवर्जन हेडवर्क होता है वहां पर वो डिपॉजिट हो जाता है, तो आपको जो है सिल्ट रिमूवल के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर आप बना के उसको हम सिल्ट रेगुलेशन वर्क कहते हैं। The entry of silt into canal which takes off from a head work can be reduced by constructing certain special works called silt control work. Entry of silt जो है canal के अंदर उसको रोकने के लिए आप head work के ऊपर जो structures बनाते हैं उसको कहते हैं silt control works या special works, special silt control works. These works may be classified into the following two types: number A, silt excluder; number B, silt ejectors. इनको जो है दो types में जो है divide किया गया है। एक जो है हमारे पास silt excluders होते हैं, दूसरा हमारे पास जो है silt ejectors होते हैं। Silt excluder क्या है? Silt excluders are those which are constructed on the bed of the river that is upstream of the head regulator. Silt excluder हमारे पास वो structure होते हैं जिनको हम construct करते हैं रिवर बेड के ऊपर अपस्ट्रीम साइड ऑफ द हेड रेगुलेटर के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ये आपके पास जो है हेड है, ठीक है हेड है, तो इससे इस साइड के ऊपर आपके पास जो वर्क जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ये आपके पास जो है सिल्ट एक्सक्लूडर कहलाते हैं। The clear water enters the head regulator and silted water enters the silt excluder. In this type of work, the silt is removed from the water before it enters the canal.
इसमें जो है क्लियर वाटर जो है एंटर होता है हेड रेगुलेटर में, जबकि सिल्टेड वाटर जो है सिल्ट को जो है एक्सक्लूड किया जाता है पानी एंटर होने से पहले हेड रेगुलेटर में। और इस टाइप ऑफ वर्क में आपके पास जो सिल्ट है उसको जो है रिमूव किया जाता है बिफोर द वाटर एंटर्स द कैनाल। इसका जो ये आपके पास जो ऊपर वाला फिगर नजर आई है उसका प्लान है डाइवर्जन हेडवर्क का। ये आपके पास जो है अंडर स्लुइसेस का पोर्शन है। अंडर स्लुइसेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अंडर स्लुइसेस हमारे पास वो पोर्शन होता है जिसके थ्रू हम सिल्ट को जो है रिमूव करते हैं। ये आपके पास जो है एक दीवार सा बनाया गया है, ठीक है, एक ये है एक ये है और उसके ऊपर जो है कंक्रीट स्लैब डाला गया है। सो एक टनल सा जो है बनाया गया है, ठीक है, पानी आता है, ठीक है, यहाँ से और इस टनल के थ्रू जो है आके यहाँ पर जो है स्टोर होना शुरू होता है, ठीक है। तो जो सिल्ड होता है वो ऐसा ऐसा यहाँ पर जो है बैठता रहता है बैठता रहता है बैठता रहता है, ठीक है, तो और क्लियर वाटर जो है ऊपर जो है आता रहता है, ठीक है। ये जो इसका जो लेवल होता है क्रस्ट लेवल होता है और हेड रेगुलेटर का जो क्रस्ट लेवल होता है उसके अंदर जो है 1.1 से लेकर 1.5 मीटर तक जो है डिफरेंस होता है। सो आपके पास जो है सिल्ट यहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है और क्लियर वाटर जो है इसके ऊपर आता रहता है। सो जो क्लियर वाटर होता है वो इस हेड रेगुलेटर के थ्रू आपके किनाल के अंदर जाता है, जबकि सिल्ट जो है यहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है। जब आपके पास जो है काफी सिल्ट जो है जमा हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास जो है अंडरस्लुइसेस पोर्शन के गेट्स हैं। इन गेट्स को एक गेट ये है, एक ये है, एक ये है, यहाँ पर इसके सामने जो है इंटरनल के सामने गेट्स जो है इंस्टॉल किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है किश्ती के साथ एक एजिटेटर जो है वो बांधा जाता है। एजिटेटर मीन एक बड़ी लकड़ी जो है बांधी जाती है, उसको जो है इस पानी के अंदर हिलाया जाता है जिससे पानी जो है गतला हो जाता है, यानी कि जो सिल्ट होता है वो पानी के साथ जो है मिक्स हो जाता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पर आपके पास जैसे ही ये गेट्स खोलते हैं तो पानी के साथ प्रेशर के साथ वो सिल्ट जो है अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर चला जाता है और आपके पास जो सिल्ट होता है वो यहाँ से जो है एक्सक्लूड हो जाता है। सो इस तरीके से जो है सिल्ट को एक्सक्लूड किया जाता है बिफोर द वाटर एंटरिंग इन टू दी बिफोर द एंट्री ऑफ वाटर इन टू दी हेड रेगुलेटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिल्ट एक्सक्लूडर या सिल्ट एक्सक्लूशन वर्क। उसके बाद जो है सिल्ट इजेक्टर है। सिल्ट इजेक्टर आर आल्सो कॉल्ड सिल्ट एक्सट्रैक्टर्स। सिल्ट इजेक्टर जो है इसको सिल्ट एक्सट्रैक्टर भी कहा जाता है इजेक्टर्स को। एंड आर दोज डिवाइसेस व्हिच एक्सट्रैक्ट द सिल्ट फ्रॉम द कैनाल वाटर आफ्टर द सिल्टेड वाटर हैज ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस इन द टेक ऑफ कैनाल। दीज वर्क्स आर देयरफॉर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेड ऑफ द कैनाल एंड लिटिल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द हेड रेगुलेटर। सिल्ट इजेक्टर जो है ये वर्क होते हैं जिनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है किनाल आपके पास जो हेड रेगुलेटर है उसे कुछ डिस्टेंस के ऊपर। फिगर में भी आपको जो है नजर आ रहा आपके पास जो है ये जो है मेन हेड रेगुलेटर है, ठीक है, मेन किनाल है। सो इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो है आपके पास जो है सिल्ट इजेक्टर जो है इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। तो पानी जैसे कुछ ज्यादातर जो आपके पास जो सिल्ट है वो सिल्ट एक्सक्लूडर में जो है निकल जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ सिल्ट फिर भी पानी में जो है रहता है। मोसेना अबल डिजाइन पेमेंट वाला क्लास स्टार थे अगर सर सर खबर होगा ताज मोहम्मद व्हाट आर यू डूइंग सर जी दलता मूल आयो बल लिंक रा सिंगुलर डिजाइन पेमेंट वाला हो है जिस मा क्लास थे डिजाइन पेमेंट न द दा सीआर सीआर सो शो मोसेना तसवे जी सर तुमको कल तक टाइम दे व्हाट से चिको मोटे से सर खबर हो कम तो टीचर सर खबर हो कंदा हो जे कम ने पेमेंट क्लास ने उस जम डिजाइन वाइड होल स्ट्रक्चर क्लास दे यस सर ताज मोहम्मद तो दागम को सीआर बोर्ड सर कांटेक्ट टू की हां यस सर। अच्छा तो जैसे जो है आपके पास जो है कुछ ना कुछ सिल्ट यहाँ पर सिल्ट स्टूडर में रिमूव हो जाता है, कुछ ना कुछ सिल्ट फिर भी जो है पानी के अंदर रहता है। तो इसको रिमूव करने के लिए जो है सिल्ट इजेक्टर्स जो है इंस्टॉल किए जाते हैं। सिल्ट इजेक्टर जो है आपके जो है जो मेन आपके हेड रेगुलेटर उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो है सिल्ट इजेक्टर जो है एक डायफ्राम कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके साथ जो है सिल्ट इजेक्टर्स जो है लगाए जाते हैं। और एक जो है जैसे ही वाटर आता है उसके अंदर जो है यहाँ पर जो सिल्ट है वो डिपॉजिट होता रहता है और सिल्ट इजेक्टर के थ्रू यहाँ से सिल्ट को जो है इजेक्ट किया जाता है और क्लियर वाटर आपके जो किनाल है उसके अंदर जो है इंटर होता है। सो इस तरह जो है सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर को यूज करके सिल्ट को जो है रिमूव किया जाता है वाटर से और क्लियर वाटर आपके किनाल के अंदर जो है इंटर होता है।
यहाँ पर आपका जो लेक्चर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर ये पोर्टल में इशू आ रहा है सर, काइंडली सर ये जो आप लेक्चर करवा रहे हैं सर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करें सर, तो फिर हमें मसला नहीं होता सर। पोर्टल में सबको इशू आ रहा है सर। आप पीपीटी या वीडियो? नहीं सर पीपीटी का कह रहे हो सर। स्लाइड्स। जी जी सर, सर पोर्टल में इशू है ठीक है, तकरीबन मैं दो तीन अभी दिन से आपके इशू है सर। साथ, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद मैं इस ग्रुप में जो है दोनों लेक्चर जो है, बल्कि तीन चारों लेक्चर जो है जितने हुए हैं सब शेयर करता हूँ अभी आपके साथ। सर जी पहले दो हमें मिल गए, फर्स्ट वन और सेकंड वन, और ये तीन अभी रह गए सर। ठीक है, यह अभी आज का और कल का जो है अभी मैं आपको सेंड करता हूँ। और कोई मसला थैंक यू हो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो पूछें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोगों का जो क्लास है वो लेक्चर है यहाँ पे खत्म हो गए। काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर लें।